जियो जैब्रा पार्ट 4 में आप सभी का स्वागत है। आज हम जियो जैब्रा के अंतर्गत रिफ्लेक्ट्स ए ट्राइंगल एंड रोटेट अराउंड पॉइंट्स को बनाना सीखेंगे। तो अब हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, हाउ टू रिफ्लेक्ट ए ट्राइंगल। तो इसको करने के लिए हमें जो हमारा रिफ्लेक्ट अबाउट लाइंस है, इस टूल्स का हम की मदद से हम एक ट्राइंगल को रिफ्लेक्ट करेंगे। तो इसके लिए हम सबसे पहले एक ट्राइंगल बना लेते हैं और उसके लिए हमें पॉलीगन लेना पड़ेगा। तो हम एक पॉइंट यहाँ लगाएंगे यहाँ पर, और हमने एक पॉइंट यहाँ पर लगाया, तो हमारा ये एक ट्राइंगल बन गया। अब इस ट्राइंगल को अगर हम वाई एक्सिस पर इसको हम मिरर मान लेते हैं, तो ये हमारा जो आपका ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इसमें कैसे दिखाई देगा, इसको कैसे रिफ्लेक्ट करेंगे, तो इसके साइज क्या होंगे और ये किस प्रकार दिखाई देगा, उसको हम यहाँ पर करेंगे। तो इसके लिए हमें रिफ्लेक्ट अबाउट लाइंस को सिलेक्ट करेंगे, तो ये हाईलाइटेड हो गया। फिर हम इस ट्राइंगल को यहाँ पर बीच में क्लिक करेंगे, तो आप देख रहे हैं कि पूरी लाइन हाईलाइटेड हो गई है। अब हम वाई एक्सिस को क्लिक करेंगे, तो आप देखेंगे कि ये ट्राइंगल हमारा जो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इसमें रिफ्लेक्ट होके किस प्रकार दिखाई दे रहा है। तो इसी प्रकार हम एक्स एक्सिस को अगर मिरर मानते हैं, तो ये रिफ्लेक्ट करके यहाँ पे कैसे दिखाई देगा, तो इसको हम फिर सेलेक्ट कर लेते हैं। हमने सेलेक्ट करा, ये हाईलाइटेड हो गया, और एक्स एक्सिस को क्लिक करेंगे, तो ये आप देख रहे हैं कि ये रिफ्लेक्ट होके किस प्रकार यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार हम फिर वाई एक्सिस को मिरर मानते हैं और इसको हम थर्ड क्वार्टर में ले जाके देखते हैं कि किस प्रकार दिखाई देगा। तो इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, तो ये इस प्रकार दिखाई देगा। तो देखा आपने कि एक जो हमारा ट्राइंगल है, उसको हम रिफ्लेक्ट टूल की मदद से किस प्रकार मिरर इमेज बनाकर उसका अध्ययन आसानी से कर सकते हैं। अब हम रोटेट अराउंड पॉइंट्स के आधार पर एक एक्टिविटी करेंगे, एक शानदार एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो इसके लिए हम रोटेट अराउंड पॉइंट्स के टूल का इस्तेमाल करेंगे कि कोई इमेज को हम कैसे रोटेट कर सकते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले पॉलीगन ले लेते हैं। पॉलीगन में से हम एक यहाँ पर इमेज ड्रॉ कर लेते हैं, एक शानदार। तो हमने एक यहाँ पर इमेज डाउनलोड, अरे इसको क्या बोलते हैं नुक्की, जो ये फिगर बोलेंगे ना, रोटेट अराउंड पॉइंट्स के आधार पर हम एक यहाँ पर एक्सपेरिमेंट करेंगे। उसके लिए हम रोटेट अराउंड पॉइंट्स को लेंगे, तो इसके लिए हम पॉलीगन ले लेते हैं। पॉलीगन में हम एक फिगर का निर्माण कर लेते हैं जिसकी सारी साइड्स डिफरेंट हो। तो एक हमने ये पॉलीगन ले लिया जिसकी 4 साइड हैं और ये सारी डिफरेंट हैं। अब हम इस एक्टिविटीज को करने के लिए हम एक पॉइंट को फिक्स मान लेते हैं। हमने डी पॉइंट को फिक्स कर लिया, इसको हमने क्लिक करा, ये हाईलाइटेड हो गया। तो आप देख रहे हैं ये हाईलाइटेड हो गया है, क्या हो जाता है ऐसा। अब हम रोटेट अराउंड पॉइंट्स के आधार पर एक शानदार एक्टिविटी करेंगे जिसको हम एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं। इसके लिए हम रिफ्लेक्ट अराउंड पॉइंट्स टूल्स का इस्तेमाल करेंगे और उसके लिए हमें एक फिगर की आवश्यकता होगी। तो हम पॉलीगन टूल को क्लिक करेंगे और एक फिगर का यहाँ पे निर्माण करेंगे जिसकी चारों साइड्स थोड़ी अलग अलग होगी। तो आपने देखा कि हमने एक फिगर बना लिया है जिसकी ऑल साइड्स आर डिफरेंट हैं, अलग अलग हैं। अब हम इसमें एक पॉइंट को फिक्स मार्क करेंगे। तो उसके लिए हम सबसे पहले रोटेट अराउंड पॉइंट्स को सिलेक्ट करेंगे और जिस पॉइंट को मैं फिक्स करना है वहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे मैंने डी को फिक्स किया तो ये
हाईलाइटेड हो गया है। अब मैं इसको यहाँ पे बीच में क्लिक करूंगा तो ये पूछेगा कि मेरे को कितने प्रकार का एक और इमेज कितने प्रकार की एंगल में ड्रॉ करनी है, फिगर मेरे को किस आधार पर ड्रॉ करनी है। तो इसको मैं क्लॉकवाइज ले लेता हूँ। काउंटर क्लॉकवाइज लेंगे तो ये उल्टा घूमेगा और क्लॉकवाइज लेंगे तो ये घड़ी की दिशाओं की ओर घूमेगा। तो ओके करेंगे तो आप देख रहे हैं कि पहले ये फिगर थी हमारी, अब ये बढ़कर यहाँ आ गई है। इसके बाद फिर हम इसको क्लिक करेंगे या हाईलाइटेड ये इसको क्लिक करके फिर हम इसको फिर आगे बढ़ाएंगे, क्लॉकवाइज करेंगे तो आप देखेंगे कि इमेज वन थी, टू हो गई, थ्री हो गई। फिर इसको हम और आगे बढ़ाते हैं, इसको फिर क्लिक करेंगे 45 डिग्री में क्लॉकवाइज करेंगे, फिर ये आगे देख रहे और बढ़ गई। इसी प्रकार फिर हम इसको क्लिक करेंगे 45, ये फिर बढ़ गई। फिर इसी को क्लिक करेंगे तो ये फिर 45 हो जाएगी इस प्रकार। फिर इसे क्लिक करेंगे फिर इसे, तो इसके बाद हम देख रहे कि पहली वाली इमेज के पास हम ये पूरा घुमाते हुए यहां तक इसको ले आएंगे। एक इमेज और चाहिए हमें, एक फिगर, और हमने इसे क्लिक किया तो आप देख रहे हैं कि हमारी एक कितनी शानदार इमेज बन गई है। एक हमने पॉलीगन के सहायता से इसको बनाया। अब आपके जो ये ब्लू पॉइंट्स दिख रहे हैं ये मूवेबल है, ये डायनेमिक पॉइंट्स हैं। ये इस सॉफ्टवेयर की सबसे बड़ी खासियत है कि हम इसको मूव करके देख सकते हैं किस प्रकार हमें ये दिखाई देगा। तो हम इसमें मूव को चुन लेते हैं ऑप्शन को। अब हम इसमें किसी भी पॉइंट्स को अगर मूव करेंगे तो आप देखेंगे कि ये मूव करेगा, ये देखिए ये मूव कर रहा है। हमने फिगर हमारी किस प्रकार बदल रही है आप देखेंगे कि पॉइंट्स को जैसे हम चेंज कर रहे हैं तो हमारी फिगर किस प्रकार ये दिखाई दे रही है। तो इससे हम शानदार स्क्रीन सेवर्स भी बना सकते हैं। आप इस वाले पॉइंट्स को भी मूव कर सकते हैं। तो आपने देखा कि किस प्रकार ये एक्टिविटी काम कर रही है, ये पॉइंट्स किस प्रकार मूव कर रहे हैं। तो ये एक शानदार टूल्स था जिसकी मदद से आप इमेजेस को जो हमारे फिगर हैं उसको आप किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं और देख सकते हैं कि उससे किस प्रकार की आकृतियों का निर्माण हो रहा है।